रविवार की सुबह करीब 3:15 बजे एक स्कूटी पर बैठकर दिल्ली से मेरठ की ओर 3 लोग जा रहे थे। इस दौरान हवा हवाई रेस्तरा के पास अज्ञात वाहन ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिसमें 3 युवक की जान चली गई। ये घटना मसूरी थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस को करीब 3:15 बजे डायल 112 पर हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC डासना लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने 3 को मृत घोषित कर। ACP मसूरी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मसूरी थाना पुलिस ने परिजनों के माध्यम से 3 की पहचान कर ली है। मरने वालों के नाम अंशु, विट्टू और विपिन भट्ट हैं। 3 दिल्ली के रहने वाले हैं। एक दिल्ली के त्रिलोकपुरी क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। दूसरा युवक मयूर विहार कोटला गांव का बताया जा रहा है। वहीं विपिन भट्ट ईस्ट दिल्ली के न्यू अशोकनगर डी ब्लॉक क्षेत्र के रहने वाला बताया जा रहा है। विपिन की शादी को लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। वहीं पुलिस ने सूचना पाकर परिजन मसूरी थाने पहुंचे हैं। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को कुछ और तथ्यों की जानकारी हो सकेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के न्यू सोगा क्षेत्र में, जहाँ एक युवक की मेरठ हाईवे पर रात एक्सीडेंट होने के बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनके साथ जो युवक थे, उनके साथ 2 युवक और थे जो न्यू सोगा क्षेत्र से बाहर के रहने वाले थे। और जो न्यू सोगा के युवक थे, उनकी उम्र बताई जा रही तकरीबन 27 साल की उम्र थी, और वो न्यू अशोकनगर से मेरठ हाईवे रोड पे घूमने के लिए निकले थे, जहाँ उनके रास्ते में उनके साथ एक्सीडेंट हो गया। और बताया जा रहा है कि वो एक प्राइवेट निजी किसी कंपनी में काम करते थे, और 1.5-2 साल पहले उनकी शादी भी हुई थी। घर के हालात तो इस टाइम दिखाने लायक नहीं। बताया जा रहा है कि उनके घर में जो उनकी माता है वो हार्ट पेशेंट है, और उनको इस बात की खबर नहीं दी गई है। मेरे साथ अभी मौजूद है पड़ोस में रहने वाली जी, जो थोड़ा बहुत जानकारी हमें देंगी। और मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था, पूरा मामला किस तरीके से था, और जो युवक थे जिसके नाम विपिन भट्ट बताई जा रही है, जो मेरठ हाईवे पे जिनकी डेथ हो गई, उनकी आदत व्यवहार वगैरह क्या थी और कहाँ काम करते थे। आंटी जी, जो मरने वाले युवक थे, सबसे पहले तो उनके बताइए कि उनकी उम्र लगभग क्या रही होगी। 26-27 साल 26-27 साल के करीब रही। तो आपको क्या सूचना मिली थी, किस तरीके से खबर आपको मिली है? 3:30 बजे भोर में सूचना मिली है जो उनका एक्सीडेंट हो गया है। कौन सी जगह पे हुआ था और किस तरीके से, मतलब किस वजह से हुआ था? मेरठ हाईवे के तरफ हुआ है, गाजियाबाद से आगे। जी, तो किस काम के लिए वो लोग गए हुए थे जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ, ये कुछ आपको जानकारी मिली है? घूमने गए थे किसी लड़कों के साथ। कितने लड़के थे वो? मैं ये नहीं जानती हूँ, लेकिन पता चला है जो 3 लड़के थे। जी, 3 लड़के के बारे में बता रहे। वो किस चीज पे थे जो इनके साथ एक्सीडेंट हुआ है? स्कूटी थी। घर से पैदल निकला था। जी, तो जो स्कूटी थी, कहने मतलब वो उनकी नहीं थी? नहीं। वो काम कहाँ करते थे? नोएडा में काम करते थे, कहीं प्राइवेट कंपनी में। तो बताया जा रहा है जो उनकी शादी हो गई थी। शादी हो गई है। कितने बच्चे थे? एक भी बच्चे नहीं। कितने दिन पहले शादी हुई आंटी? 1 साल 27 फरवरी में शादी हुई थी, 27 फरवरी 2022 में। जो युवक थे, उनका व्यवहार आस पड़ोस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, किसी से बात भी नहीं करता था वो। कोई नशे वगैरह की आदत? नहीं। तो आपने देखा भी कि जो पड़ोस में रहने वाली महिला है, उन्होंने बताया कि जो विपिन भट्ट थे, उनकी व्यवहार जो थी बहुत अच्छी थी, और एक तरह एक मिलनसार व्यवहार था, लेकिन अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, जो होनी थी वो हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिला की बात यह है कि जो माँ बाप है अपने बच्चों की पूरी परवाह करते हैं, चाहे वो काम से निकले या नौकरी के लिए निकले, लेकिन जो निकलने का जो एक समय होता है वो अनुकूल होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कार्य है तो घर से निकले, अन्यथा अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं आए दिन आप देखने को आपको मिलती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी कहा जा सकता है। मैं रिजवान खान, सूरज की रोशनी, दिल्ली।